प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, शुभ आशीर्वाद आपको, धन्यवाद। आप लोग, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस स्नेह प्यार के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा भी पूरा प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक अपने प्रोग्राम के माध्यम से कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करूँ। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। चंद्र ग्रह का क्या संबंध है कुंडली के प्रत्येक राशि में? जैसा कि आपको मालूम है, चंद्र एक सज्जन ग्रह है, बहुत अच्छा है तो कहीं बहुत बुरा भी है। चैत्रवान ग्रह है, सुलझा हुआ ग्रह है, आपको अधिकांश भावों राशियों में लाभ देता है। अब प्यार से मेरे प्रोग्राम को सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में चंद्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं। जिसके कुंडली में वृषभ राशि में चंद्र बैठा हुआ है, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, स्वयं स्वावलंबी होते हैं, माता पिता भाई बंधु मित्रों पर आश्रित नहीं रहते। जिसके कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा हो, आपको मालूम है कर्क राशि के चंद्रमा उच्च का होता है, ऐसे लोग राजा के समान जीवन जीते हैं, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं और व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है। जिसके कुंडली में सिंह राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा पाते हैं, पूर्ण विद्वान होते हैं, किसी भी शिक्षा में किसी प्रकार की शिक्षा में असफल नहीं होते। जिसके कुंडली में कन्या राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग शत्रुओं से शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग किसी से विवाद नहीं करते हैं, न कभी जेल जाते हैं, न कोई केस मुकदमा दौड़ते हैं। जिसके कुंडली में तुला राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग हमेशा विवादों में रहते हैं, संकित होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते। जिसके कुंडली में वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग स्वास्थ्य परेशान रहते हैं, सर्दी खांसी संबंधी इनको रोग होता है, आँख की बीमारी से परेशान। जिसके कुंडली में धनु राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग उदार होते हैं, दानी होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक विचार के होते हैं और चैत्रवान होते हैं। जिसके कुंडली में मकर राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग जीवन में बहुत धनी होते हैं, अनेकों काम बदलते हैं, अनेकों नौकरी बदलते हैं, मगर कभी भी फाइनेंशियल आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। जिसके कुंडली में कुंभ राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोग समाज में पूजे जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, जो भी इनके पास धन दौलत होता है स्वयं का बनाया हुआ। जिसके कुंडली में मीन राशि का चंद्रमा हो, क्या बात है दोस्तों, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, संतान योग्य होते हैं, ऐसे लोग जीवन में कई जमीन जायदाद मालिक के मालिक होते हैं, ऐसे लोग सोचे हुए अपने जीवन के अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इसे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इसे संपर्क करिए, मैं प्रयास करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। इतना कहते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।